जौहर ने दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन को निकाला। धर्मा प्रोडक्शन ने कर दिया कार्तिक आर्यन को ब्लैकलिस्ट। करण जौहर वर्सेस कार्तिक आर्यन की स्टोरी में जानवी कपूर का क्या है एंगल और वो क्यों इस दोस्ताना, मेरा मतलब है कि इस दुश्मनी में हो रही है ट्रेंड। बॉलीवुड की अंदर की बातें देखिए बीसी अनकट की इस वीडियो में। अब आपको ये तो याद ही होगा कि करण जौहर ने कार्तिक आर्यन को लीड एक्टर के तौर पर अपनी फिल्म दोस्ताना 2 में साइन किया था, मगर फिल्म के पूरा बनने से पहले ही कार्तिक का करण और धर्मा प्रोडक्शन हाउस से दोस्ताना टूट गया। धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े एक करीबी शख्स की माने तो करण ने कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 2 से निकाल बाहर किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, खबरें तो ये भी है कि करण ने कसम खा ली है कि अब वो कार्तिक के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे और कार्तिक के लिए धर्मा प्रोडक्शन हाउस के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। और जब इस गेट आउट की वजह पूछी गई तो इस सवाल पर जवाब मिला कार्तिक आर्यन के अनप्रोफेशनल बिहेवियर का। साथ ही ये भी बताया गया कि कार्तिक को 1.5 साल बाद ये बात समझ आई कि दोस्ताना 2 की स्क्रिप्ट में कोई खामी है और वो उसमें बदलाव चाहते हैं। कार्तिक के बिहेवियर को मद्देनजर अब धर्मा प्रोडक्शन ने उनके साथ आगे कभी भी काम ना करने का फैसला लिया है। लेकिन मेरी जान, पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि बॉलीवुड की गलियों में तो कुछ और ही कहानी पक रही है। बॉलीवुड में उड़ रही खबरों की माने तो करण जौहर और कार्तिक के पीछे लड़ाई की वजह जानवी कपूर हो सकती है। बस ये बात तो अक्सर सुनने को मिलती ही है कि बॉलीवुड में ज्यादातर लव अफेयर्स लाइमलाइट में आने के लिए होते हैं या फिर अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए होते हैं, और इन सारे लव अफेयर्स के लिए कहा जाता है कि करण जौहर खुद ही ये सब रिश्ते जो हैं वो बनाते और तोड़ते रहते हैं। पहले सारा अली खान के साथ लव अफेयर और फिर ब्रेकअप की वजह से खबरों में रहने वाले कार्तिक का नाम इन दिनों जानवी कपूर के साथ काफी ज्यादा जुड़ रहा था। दोस्ताना 2 में कार्तिक आर्यन और जानवी की जोड़ी जो है वो एक साथ नजर आने वाली थी। वही खबरें तो ऐसी भी आई हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों के गोवा की वेकेशंस की जो फोटोज भी थी ना, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रखी थी। वही बॉलीवुड गॉसिप्स की माने तो जानवी मैडम ने गोवा जाकर कर लिया बेचारे कार्तिक आर्यन से ब्रेकअप और इस टूटे दिल को कार्तिक संभाल ना पाए और जानवी के साथ काम करने में परेशानियां करने लगे। बस फिर क्या था, करण से ये सारा ड्रामा ना देखा नहीं किया और उन्होंने कार्तिक को फिल्म से गेट आउट कर ही दिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस बात की जानकारी या तो कार्तिक दे सकते हैं या जानवी या फिर करण ही दे पाएंगे। फिलहाल धर्मा प्रोडक्शन ने इस बात का ऐलान नहीं किया है कि आखिर लीड एक्टर कार्तिक की जगह अब कौन नजर आएगा। बता दें कार्तिक आर्यन, जानवी कपूर और डेब्यूटेंट लक्ष्य लालवानी स्टारर दोस्ताना 2 की महज कुछ 20 दिनों के आसपास की शूटिंग वो हो रखी है। पिछले पूरे साल कोरोना की वजह से फिल्मों की शूटिंग वैसे ही नहीं हुई थी और 2019 में इस फिल्म के कुछ हिस्से ही शूट हुए थे। वहीं अब फिल्म के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग शुरू होने जा रही थी, मगर ऐसा होता कि उससे पहले ही कार्तिक को करण जौहर ने फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाकी आपको क्या लगता है कि कार्तिक की जगह फिल्म में कौन हीरो जो है वो अच्छा लग सकता है और क्या सच में इस पूरी खिचड़ी के पीछे की वजह क्या है जो कार्तिक हुए हैं इस फिल्म से बाहर? जो भी आपके व्यूज है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड अनकट को फॉलो करना तो बनता ही है।